ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, जिसके चलते शनिवार को SCG कैंसर हॉस्पिटल ने अपने पुराने ब्लड कैंसर के मरीजों को बुलाया और उनमें इस संदर्भ में जन जागृति की। कैंसर अब तक के सबसे पुरानी हेल्थ डिजीज में से एक है और लक्षणों को निग्लेक्ट करने और इसे अपने शरीर में बढ़ने देने के बजाय खतरनाक हेल्थ इश्यूज का इनिशियल स्टेज में पता लगाना बेहतर है। इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि बुखार, सांस फूलना और एनर्जी की कमी सिर्फ थकान से कहीं ज्यादा हो सकती है। ऐसे लक्षण लिम्फोमा का उलट है, जो एक तरह का ब्लड कैंसर है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले कैंसर में से एक है। इसीलिए सितंबर को ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में माना जाता है। इसके चलते SCG कैंसर हॉस्पिटल की ओर से ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है, जिसके चलते शनिवार को SCG कैंसर हॉस्पिटल ने अपने पुराने ब्लड कैंसर के मरीजों को बुलाया और उनमें इस संदर्भ में जन जागृति की। इस संदर्भ में डॉक्टर निषाद धकाते ने अधिक जानकारी साझा की। नमस्ते, मैं डॉक्टर निषाद धकाते हूँ, HCG NCHRI कैंसर सेंटर, यहाँ पर ब्लड कैंसर विशेषज्ञ हूँ। सितंबर यह महीना ब्लड कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है, तो इस महीने हम लोग ब्लड कैंसर अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहते हैं। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि ब्लड कैंसर एक पोटेंशियली क्यूरेबल बीमारी है, ईजिली ट्रीटेबल बीमारी है और लोगों को इससे अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। साइंस में बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं जिससे हम इस कैंसर को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो आज का ये दिन हमने हमारे पुराने ब्लड कैंसर मरीजों को बुलाया हुआ है, उन्हें हम जागरूक करेंगे, उन्हें हम ये बताएंगे कि इतने सारे ब्लड कैंसर मरीज हमारे से ठीक हो चुके हैं और उनके आसपास अगर कोई पेशेंट को ब्लड कैंसर होता है तो वो सही समय पे इसका अपने विशेषज्ञ से इलाज करें और इसका फायदा लें। बता दें कि भारत में 1 मिलियन ब्लड कैंसर के मामले प्रतिवर्ष सामने आते हैं। रक्त कैंसर शरीर की कोशिकाओं में उत्परिवर्तन के कारण शुरू होने लगता है। ब्लड कैंसर मुख्यतः 3 प्रकार के वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें माइलोमा, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया रक्त कैंसर शामिल है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज, नागपुर।